ग्राउंड है ये, ये दिख रहा है स्कूल, स्कूल है ये। और मौसम देखिए, मौसम पूरा आकाश बादल ही बादल है। और देखिए यहाँ से नीचे बात यह है कि आज 15 अगस्त, आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, आप लोग सबको पता है। तो मैं सोचा कि आज चलते हैं, घूम लेते हैं स्कूल। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने 9वीं 10वीं यहीं से की है, मैट्रिक का पढ़ाई यहीं से। देखिए यहाँ पे नया रूम बन रहा है, अभी इस पे काम चल रहा है, लास्ट फ्लोर पे हूँ मैं अभी। इसके नीचे 2 को बन चुका है, अभी काम चल रहा है, मतलब कंप्लीट ना है वो। और पहले वहाँ पे वहीं स्कूल था, बहुत बड़ा है, मैं इतना ऊपर हूँ इसलिए स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ से कहीं हिल नहीं सकता क्योंकि रिक्शा देख रहे हैं पूरा बांधा हुआ है तार से। और बारिश हो रहा है और अंधेरा टाइप का आ रहा है वीडियो। और देखिए वहाँ पे बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा था तो इसलिए मैं वहाँ था, पेड़ में था तो भागते भागते यहाँ पे आया नज़दीक में, वो दूर था इसलिए नहीं गया। तो चलिए सब देखते हैं कि कैसा लग रहा है आकर यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है यार, ठंडा हवा बिल्कुल चल रहा है। और यहाँ पे कुछ काम नहीं था, ऐसे आए थे घूमने के लिए। इतना पेड़ है, पेड़ सब पहले जैसा नहीं है, इतना कट गया है, बाकी सब हरी हरी है पेड़। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा है। अभी मैं हूँ लास्ट में ऊपर 3 तले पे, और वो सिर्फ 1 तला है बट बहुत बड़ा है। और ये ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, ऐसा बताया जाता है कि मतलब जब मैं पढ़ता था तो बताया जाता था कि ऐसा ग्राउंड पूरे कैमूर में नहीं है, पूरे कैमूर में सबसे बड़ा ग्राउंड यही है। और यहाँ पे पढ़ाई सिर्फ जब मैं पढ़ता था तो 9वीं 10वीं का होता था, और जब मैं निकलने लगा तो 1 साल पहले ही इंटर तक हो गया है स्कूल। और ये नया बन रहा है, इसमें क्या चीज़ का तैयारी है ये तो नहीं पता है, अब इसमें बन रहा है, इसका कोई भी काम कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं। आ रहा है बारिश पूरा, देखिए उधर से काला काला था, बारिश आ रहा है ज़बरदस्त लग रहा है। आज पहली बार ऐसा बारिश होगा क्योंकि इस साल बारिश बहुत कम हुआ है, ना के बराबर हुआ है। देख रहे हैं कितना अंधेरा अंधेरा हो रहा है, पूरी स्कूल है, आ गया बारिश, बच्चे दिखाई दे रहे होंगे आप लोग। तो चलिए चलते हैं नीचे, नहीं तो भीग जाएंगे हम। उधर स्टार्ट हो गया है पास में, आ गया बारिश, हम भीजने वाले हैं अब। आ गया जबरदस्त, पूरा झाटा मार रहा है यहाँ पे। अब मैं आ चुका हूँ इस स्कूल में जहाँ पे पढ़ाई होता है, और वो है रूम जो बन रहा है वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पेड़ से छिपा हुआ है वो। 3 तला बिल्डिंग बन रहा है, और भी ऊपर हो सकता है, बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये 1 तला है, इसी पे हम लोग पढ़ा करते थे, अभी भी पढ़ाई इसी में होता है। देखिए यहाँ से जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक है, और देख रहे हैं ग्राउंड कितना बड़ा है, इधर से देखिए अच्छा लग रहा है यहाँ। देखिए ये ऐसा है कलर, यहाँ पे 2 गेट है, एक यहाँ पे गेट है, ये दिख रहा है आप लोगों को। ये सामने ये गेट खुला है बट ये गेट चालू नहीं है,
मतलब आगे रास्ता नहीं है, वहाँ पे नहर है एक, जिस पे बहुत दिनों से एप्लीकेशन दिया जा रहा है, हम लोग के टाइम भी दिया गया था कि यहाँ पे पुल बना दिया जाए, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, वैसे ही है। नहर सूखती है तो एक आध दो बच्चे इधर से आते जाते हैं और समय से खुला रहता है। और एक वहाँ पे गेट है, वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे गेट है, वहीं गेट चालू है और वहाँ से रोड है, वैसे बनाया गया, फिर वैसे बनाया गया है। और गेट के सामने ठीक वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी है, इसी के जस्ट बगल में। चलिए देख रहे हैं, बच्चे एक दो आ रहे हैं, एडमिशन हो रहा है अभी इंटर का, बताया मैंने आपको। और ये है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा। चलिए पास से देखते हैं कैसा दिख रहा है व्यू, और बैकग्राउंड का व्यू देखिए। पीछे में ये है, यहाँ पे पहले जब हम पढ़ते थे तो यहाँ पे बहुत सारा पेड़ ही पेड़ लगाया गया था, ये यहीं पे नहीं पूरे ग्राउंड में भी बहुत सारा पेड़ था। अभी कट चुका है बहुत ज़्यादा पेड़, क्योंकि प्रॉब्लम होती थी आने जाने में, और सब मिट्टी अच्छा पहले से अच्छा हो गया है बहुत। अब पढ़ाई कैसी हो रही कैसी नहीं पढ़ाई के बारे में नहीं पता है, और रूम भी खुला नहीं है कि दिखा सकते हैं आपको क्या है स्थिति, बट सही हो गया पहले से सब कुछ, वायरिंग वायरिंग पंखा संखा सब लगा दिया गया है। और वहाँ पे देख रहे हैं टूटा सब बेंच रखा हुआ है और ये सब साफ हो गया है। वहाँ पे थोड़ा केला का पेड़ है और यहाँ पे एक पेड़ है बस, पीछे में दो ही, और एक वहाँ पे उस साइड में है बगल में पेड़ है, और उधर पेड़ है कि नहीं है। और यहाँ का व्यू देख रहे हैं कितना सुहाना है, हो गया है घाम अब, और हो गया था बादल आ रहा था अंधेरा जैसा, अभी वीडियो फ्रेश आ रहा है। और हम आ गए हैं बिल्कुल यहीं से जाने का रास्ता है, और ये तिरंगा झंडा है देखिए। अभी हवा भी ठप हो गया है, थोड़ा स्लो बह रहा है। हमारे देश का तिरंगा झंडा सलाम। और यहाँ पे एक मूर्ति बनाया गया है, चलते हैं नीचे से दिखाते हैं आपको। आ गए हैं, ये यहाँ पे सीढ़ी है इसलिए इसे बनाया गया है, और इसके बगल में उधर एक रूम है केवल। चलिए चलते हैं अब नीचे, देखिए यहाँ से व्यू कैसा है। इधर उतना है कि हम बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, और जितना इधर है उतना इधर है, इधर दिख नहीं रहा है और आगे है। मैं आ चुका हूँ नीचे, यहाँ पे देख रहे हैं सूचना पट है, जो भी सूचना दिया जाता है तो सभी को मौखिक नहीं कहा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे साथ दिया जाता है, पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, पूछने वाले पूछ लेंगे, और जो पूछता है उसे बताया जाता है, वरना समझदार के लिए यही काफ़ी है। और यहाँ से देख रहे हैं भी इधर का है और ये इधर का है, और यहाँ पे है एक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और यही मेरा स्कूल है, देख सकते हैं। यहाँ पे तिरंगा झंडा है हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज, और व्यू देखिए लाइट हो गया है ज़्यादा। और ग्राउंड देखिए यहाँ से दिखा रहे हैं, कितना अच्छा कितना बड़ा ग्राउंड है। यहीं से बाइक खड़ी है, यहीं से इधर सीधा रास्ता है बीचों बीच, और वहाँ पेड़ रख दिख रहा है, वहीं पेड़ से है रास्ता, वहाँ पे है यहाँ तक, ये चालू रास्ता है, और एक बाहर जाने का गेट ये है। एक लड़का आ रहा है यहाँ पे देख रहे हैं, यहीं से मुड़ने का है, वहीं से आप सीधा जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे देखिए,
हमारा तिरंगा लहरा रहा है। मैं आ चुका हूँ नीचे और देख रहे हैं हो गया है थोड़ा थोड़ा धूप, बारिश हो गया है ख़त्म और ईद और थोड़ा सूख जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हो गया है किचकिच और बाइक शायद से नहीं पार होगी, पार करने वाला इसे कर रहे हैं बट वो भारी गाड़ी है मेरी अपाची, अब अकेले हो सकता है ना जाए, तो सूख जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम आ चुके हैं बीच में, देखिए हमारा स्कूल यहीं पर हम पढ़ते थे, देख रहे हैं कितना बड़ा है, कैमरा में नहीं आ पा रहा है यार, हम बीच में सेंटर में हैं अपने ग्राउंड के और इधर जा रहे हैं दिखा रहे आप लोगों को। और ये फिर बराबर कुछ हो गया है, बहुत बराबर हो गया है ये पहले से, पहले ये सब गड्ढा जैसा था, यहाँ पे सब मिट्टी डालकर इसे बराबर कर दिया गया है और अभी अच्छा से बराबर नहीं हुआ है बिल्कुल, और भी यहाँ पे भी गड्ढा जैसा था, पहले बारिश होता था तो पानी लग जाता था, अब सब बराबर हो गया है और थोड़ा सा करना है बराबर, इसी को बराबर हो जाएगा तो गजब लगेगा ये। और मैं आ गया हूँ, यहीं से जाने का रास्ता है, इधर जाइए तो ये अभी चालू नहीं है, और इधर जाइए तो ये चालू रास्ता देख रहे हैं लोग, किधर गया जी, यहीं है, यहीं एक लड़का जा रहा है, इधर से ही रास्ता है, ये रास्ता चालू है अभी और ये वाला तो बंद है। चलिए देख लिए, आ गए घूम कर यहाँ पे, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि यह बादल चारों तरफ छाया हुआ है और बारिश का मौसम हुआ है, बारिश हो नहीं रहा है, बारिश थोड़ा सा हुआ किचपिच करने के लिए, और हम अब चले जाएंगे क्या मतलब जा रहे हैं, यहाँ से दिखाने का कोशिश करते हैं कि पूरा व्यू आ रहा है कि नहीं, हमारे स्कूल का नहीं आ पा रहा है, फिर भी आप लोग देख लीजिए सही है, यही है स्कूल और ये सब ग्राउंड है पूरा बड़ा सा, यहाँ पे लगाया गया है खेलने के लिए और एक वहाँ पे भी लगाया गया है, और तिरंगा झंडा और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति। स्कूल अब कॉलेज में परिवर्तित हो गया है क्योंकि 10+2 हो गया है ना। मैं अपने स्कूल से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ रास्ते में अब, और हो गया है यहाँ पे भी किचकिच, देख रहे हैं रोड पे सब पानी लग गया है कहीं कहीं, तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पे नज़दीक है स्कूल एक, वहाँ पे भी चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या स्थिति है। बस इस और उस स्कूल में बस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर वो भी 10+2 हो गया है, इसके बाद नहीं हुआ है। मैं आ चुका हूँ फाइनली उस स्कूल में, ये स्कूल में मैं इसलिए आया कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एडमिशन इसी स्कूल में लेना चाहता था बट किसी रीजन वश मेरा एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाया। मैं 1 महीने तक इस स्कूल में पढ़ा हूँ और शायद से इसी में पढ़ता था, कक्षा 9B, यही वो क्लासरूम है इसमें मैं पढ़ता था, और कुछ ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पे सही है सब कुछ, जैसा पहले था वैसा ही है, और पहले से कुछ अच्छा ही हो गया है यहाँ का व्यू। और चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ हुआ है, यहाँ पे पानी का टंकी लगा हुआ है और पानी पी सकते हैं, और यहाँ पे भी एक बन रहा है जैसा वहाँ पे बन रहा था नया क्लासरूम, अब ये हो सकता है इंटरमीडिएट के लिए हो या किसी के लिए 9वीं 10वीं के लिए भी हो,
ये भी वही है सेम। पूरा पता नहीं है कि है, बट पढ़ने के लिए ही बन रहा है, क्लासरूम ही बन रहा है। यहाँ पे नया चीज़ ये हुआ है, पानी टंकी लगा है और ये भी हो गया है अच्छा, ये भी इसमें मिट्टी भरा गया है। नहीं तो ये भी पहले था, इसमें पानी लग जाता था। और यहाँ पे पूरा चारों तरफ है पेड़, बीच में नहीं है। और हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे लहरा रहा है। यहाँ पे अभी कोई टीचर्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। और घूमकर अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर। और बहुत बारिश लग रहा है कि अब होने वाला है, बट भगवान का इतना देख कर कि इतना दिन तक बारिश नहीं हुआ तो अब क्या होगा, इसलिए नहीं लग रहा है कि बारिश होगा। बारिश होगा भी तो थोड़ा होगा, चाहे कितना हो भी हो, हम घर ही पे हैं, कहीं दूर नहीं गए हैं। घर से बस 5-6 किलोमीटर दूर आए हैं, कभी भी जा सकते हैं। शाम होने वाला है, अभी शाम हुआ नहीं है पूरा, 2 या 1 या 2 या 3 बज रहा होगा। और मैं रख रहा हूँ बीच में, यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल का व्यू, यहाँ पे ऐसे है और ये ऐसे है। और यहाँ पे भी गेट पे ही ये भी बन रहा है, सेकेंड फ्लोर तक अभी रेडी होने वाला है। फर्स्ट फ्लोर रेडी हो गया है और सेकेंड का अभी छत ढलाई होने वाला है। यहाँ पे खेलने के लिए बनाया गया है। हम जब आते थे तो यहाँ पे यहाँ तक लाइन लगती थी प्रार्थना के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जब हम एडमिशन लिए थे तो शायद याद नहीं है, नहीं तो बताऊंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे मेरा एडमिशन था वहाँ पे समझिए कि वहाँ से यहाँ पे 10 गुना आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। उस समय आते थे, इस समय पता नहीं है, बट आते थे 10 गुना, 10 गुना से भी ज़्यादा आते थे यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए। मेरा इंटरेस्ट था यहीं पढ़ने के लिए, बट एडमिशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं जब 8वीं में पढ़ता था तो उस समय क्या हुआ था, एक अब न जाने क्या रूल नियम लग गया उस समय। कुछ दिनों के लिए पढ़ाई कुछ दिनों के लिए बंद था, तो स्कूल में बताया जा रहा था ये कि हम लोगों का जो TC है, जो क्लास ट्रांसफ़र होने वाला है, वो इस क्लास से अगले क्लास में जब बच्चे जाएंगे वो कि क्या होता है, अप्रैल में नहीं जुलाई में जाएंगे, 3-4 महीना बाद। इस वजह से पूरा महीना बीत गया। लास्ट में जो हुआ कि सब जगह एडमिशन हो रहा था किसी तरह, तो गए सब गांव के लोग, बोले कि सब जगह एडमिशन हो रहा है, आप ही के स्कूल में ऐसा है नियम। तो टीचर्स लोग बात किए, हेडमास्टर लोग कहीं ऊपर, तो फाइनली महीने के एंड में, अप्रैल के एंड में दिए TC काट कर हम लोगों को। तो डेट हो गया था 29 तारीख को डेट हो गया था। तो मैं यहाँ पे आया तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मैं पढ़ता था, ये मेरा ज़िला कैमूर है, मैं पढ़ता था बक्सर में, और बक्सर में से कुछ का सिग्नेचर चाहिए था और मोहर जो उस पर नहीं था। तो फिर हम गए 29 तारीख को, यहाँ से चले गए अपने स्कूल में जा कर दिए। तो बोले सर जी कि जाइए आप और आपको मिल जाएगा। इस हम बहुत बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे, रोहतास के पढ़ते थे, मैं ही एक कैमूर का था, तो सबका कराना था साइन और मोहर, एडमिशन ऐसे नहीं हो रहा था। तो करा कर लेकर आए, लेकर आने में शायद 1-2 तारीख लग गया। तो 1-2 तारीख को मैं यहाँ पे आया था एडमिशन के लिए, तो बोल रहे हैं कि डेट फेल हो चुका है, अगला डेट आएगा तब एडमिशन आपका लिया जाएगा। तो इसी कारणवश मैं चला गया वहाँ पर एडमिशन के लिए, वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया क्योंकि उनको पता था कि एडमिशन का डेट आएगा, एडमिशन ले लेते हैं, चाहे कुछ भी उनका प्रावधान होगा वो लोग जानते हैं टीचर्स लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जैसे तैसे क्लास बीत गया, कोई बात नहीं। यही था हमारा एडमिशन का स्टोरी। और दोनों स्कूल से हम जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हमारे घर में सब लोग यहीं पे पढ़े हैं और हमारे गांव में भी सब लोग यहीं पे पढ़ते हैं, कोई 1-2 लड़का वहाँ पे सिर्फ पढ़ा है।
और मैं अपने घर से पहली बार एडमिशन वहाँ पे लिया। चलिए सब सही है, बीत चुका है, आज मैट्रिक की हुई। मैट्रिक मेरा 2016 का है, 16 4 6 6 साल बीत गया है। चलिए अब चल रहे हैं हम घर, पूरा घूम लिए हैं, आ गए हैं यहाँ जो बिल्डिंग बन रहा है, ये रूम क्लासरूम बन रहा है, इसके पास में आ गए हैं हम। ये ज़्यादा बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, वहाँ से अब चलते हैं हम। ये है व्यू यहाँ का, यहाँ से रास्ता है आने के लिए, जो बालू दिख रहा है वहाँ से आने के लिए ऐसे आया जाता है। जैसे फिर वहाँ पे रुकना है, वहीं से आकर एक क्लासरूम है। चलिए देखते हैं कि पानी टंकी लगा हुआ इसमें पानी आ भी रहा है कि नहीं। और यहाँ पे बैठने के लिए चबूतरा बनाया गया है, अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे है शौचालय, शौचालय रेडी है कि नहीं इसमें हम नहीं जाएंगे। ये कल है, ये लग रहा है कि बंद है, देख लेते हैं, कल चालू नहीं होगा, ये तो दब ये नहीं रहा है। चबूतरा है, अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठने के लिए सही है। यहाँ पर लैटरिन ये तो है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है पूरा कि चालू भी है कि नहीं है, किसी भी नल के में पानी नहीं आ रहा है। अब पानी ख़त्म हो गया है कि क्या, चलता है कि नहीं। स्कूल है वन के बबारा में, रामायण राय उच्च विद्यालय वन का बबारा, अंचल नुआम जनपद कैमूर महुआ, स्थापित 3 जनवरी सन 1963 ईस्वी। राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, हमारे देश का, इतना अच्छा लग रहा है। चलिए अब चलते हैं घर। फाइनली मैं आ चुका हूँ अपनी बाइक के पास, अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से, डायरेक्ट जाऊँगा घर। और स्टिकर लगवाने के लिए मैं आया था मार्केट में, बट कहीं भी स्टिकर मिला नहीं, एक भी झंडा भी नहीं मिला है। बाइक पे लगाने वाला सब बोल रहे हैं ख़त्म हो गया है, जैसे तैसे करके एक स्टिकर मिला। और स्टिकर भैया दिए हैं, पैसा नहीं लिए, बोल रहे हैं कि जाओ सब कुछ नहीं है तो एक स्टिकर का क्या पैसा लेना है। चलिए चलते हैं अब घर, जा घर चलकर मिलेंगे डायरेक्टली। और रास्ते में भी हो सकता है और स्कूल प्राइवेट कॉलेज मिले तो जाऊंगा।